वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल माय सेल्फ बिंदु प्राशर। तो गाइस आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास प्लस वन का सेकंड चैप्टर है ये हमारे पास। ठीक है, और इसमें हम ये पढ़ेंगे, देखिए बायोलॉजिकल का क्या मतलब है, बायो मतलब कि जो लिविंग में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो आज हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप शॉप में जाते हैं तो वहां देखा होगा आपने कि सब्जियां एक तरफ रखी होती हैं, दालें एक तरफ रखी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर सोप्स वगैरह हैं तो कपड़े धोने वाला, बर्तन धोने वाला, ठीक है, और जो नहाने वाले सोप्स हैं वो अलग से रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी जो था वो काफी पुराने टाइम से जो थे लोग वो क्लासिफाई करते आ रहे थे। लेकिन जो हमारे पास अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन होती थी, ठीक है, तो अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती थी कि कौन से जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनसे हमें फूड मिल रहा है, ठीक है, किससे हमें शेल्टर मिल रहा है, ठीक, और जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और कौन से जो है टेरिस्टल है यानी लैंड के ऊपर रह रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो थे वो ऑर्गेनिजम्स को अर्लीस्ट इसमें क्लासिफाई करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में, एक मिनट दीजिए, तो ये जो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन थी इसे हम क्या कहेंगे, नॉन साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक नहीं थी ये, इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होगी वो हमारी नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, तो पहली जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है, ऐसे थे पहले जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक वे से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किसमें क्लासिफाई किया था, प्लांट में और एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स में इन्होंने क्लासिफाई किया था, लेकिन प्लांट को जो किया था वो किस तरह से क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, कि कहां प्रेजेंट है या मोर्फोलॉजिकल फीचर्स आप उसके बोल सकते हैं। तो प्लांट जो थे वो उनको उन्होंने क्लासिफाई किया था हर्ब्स में। ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना जिन्हें हम जड़ी बूटियां भी कहते हैं, तो हर्ब जो थे जो वो की मतलब बहुत ऊंचे नहीं होते, ठीक है, और उनका जो स्टेम होती है वो ग्रीन ही रहती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास श्रब्स। ठीक है, तो श्रब्स में हमारे पास कौन सी आती है, जिनकी जो स्टेम है वो ब्राउन हो जाती है लेकिन वो बहुत ऊंचे नहीं जाते, जैसे झाड़ियां होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल वे में उनके हैबिटेट के बेस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, हर्ब शर्ब्स और ट्रीज के अंदर। एनिमल्स को जो था जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो उसके लिए उन्होंने बेस के लिए बेस क्या लिया, आरबीसीज। ठीक है, यानी कि विदाउट आरबीसीज, जिनके अंदर आरबीसीज नहीं है, और विद आरबीसीज, जिनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है। तो विदाउट आरबीसीज, जैसे कि अगर हमारे अंदर आप ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि आरबीसीज उसमें प्रेजेंट होती है। अब ब्लड अगर हमारी बॉडी में लो हो जाता है, जैसे हम एनीमिया बोलते हैं, तो उसी से आपने इसको याद रखना है, एनीमा। ठीक है, और विद आरबीसीज इसे आप याद रखेंगे, एनिमा। ठीक है, तो इस तरह से पहली जो साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन की गई थी वो की गई थी एरिस्टोटल के द्वारा, और उन्होंने क्या किया था, प्लांट और एनिमल्स दो में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो था, फिर साइंटिस्ट जागे, उन्होंने सोचा कि अगर एरिस्टोटल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो थी कार्ल लिलेनियस ने जो थी वो टू किंगडम सिस्टम
ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। यहां पे उन्होंने जो मेन बेस रखा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम उनके बारे में। मेन बेस उन्होंने वैसे क्या रखा था, सेल वॉल को रखा था, ओके। टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था ये दिया था कार्ल लिलेनस ने, ठीक है। और इसमें इन्होंने टू किंगडम में कौन से दिए थे, फर्स्ट किंगडम दी थी इन्होंने प्लांटी एंड सेकंड वन इज एनिमेलिया, ठीक है। अब प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, तो देखिए जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे उन्होंने प्लांट के अंदर रख दिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, इसको भी उन्होंने प्लांट के अंदर रख दिया, डाइएटम्स को, ठीक है, और डाइनो फ्लैजलेट्स, ठीक है, इसको भी इन्होंने जो था वो प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन सबको इसने कहां रख दिया था, प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम के अंदर इन्होंने किस किस को रखा, तो जो भी वर्टिब्रेट्स थे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, और जितने भी हमारे पास जैसे कि अमीबा था, पैरामीशियम था, ठीक है, इनको भी इन्होंने जो था वो एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया, ठीक है। अब देखिए जब इन्होंने इस तरह से इनको क्लासिफाई किया, अब अगर बैक्टीरिया की बात हम करें, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है, और दूसरा ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। डायटम्स की बात करें तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर और साथ में यूकैरियोटिक है, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। ये हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स थे, चाहे वो मल्टी सेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे, उन सभी को इकट्ठे ही एक ही जगह के ऊपर प्लेस कर दिया था। और ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी, ये करी थी लोकोमोशन के बेस पे, ठीक है, और सेल वॉल के बेस पे, कि किसके अंदर सेल वॉल है, किसके अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। यहां पे उन्होंने, अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स देखें, ठीक है, तो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म को एक साथ ही रख दिया है, बस उन्होंने कुछ ही फीचर्स जो थे कंसीडर किए थे, ठीक है। तो फ्यू फीचर्स जहां पे उन्होंने कंसीडर किए, ठीक है, इसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन जो थी वो ज्यादा नहीं चल पाई, मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं की गई, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है, अमीबा और पैरामीशियम की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या रही हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या क्या रही, कि यूनिसेलुलर kept with multicellular, ठीक है, और prokaryotes kept with किसके साथ रखा, उनको
यूकैरियोट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक थे, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक थे, उनको हेटरोट्रॉफिक के साथ रख दिया गया, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक थे केप्ट विद नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये इनका ड्रॉबैक रहा। अगर हम फंजाई की बात करें, सॉरी मैं फंजाई लिखना वहां भूल गई, फंजाई को जो था वो सेकंड जो हमारे पास टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी उसमें प्लांटे के अंदर जो था वो फंजाई को रखा गया था, ठीक है। लेकिन ये कैसी है, कैसी है ये नॉन फोटोसिंथेटिक है और हेटरोट्रॉफिक है, लेकिन फिर भी कार्ल लिनेस ने इसको जो था वो प्लांट किंगडम के अंदर जगह दी थी फंजाई को, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो अर्नस्ट हैकल ने दी थी, सॉरी अर्नस्ट हैकल ने इसे दिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारी पुरानी दो किंगडम थी यानी कि प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये एज इट इज ही रही थी, ठीक है। इनसे एक यानी कुछ ऑर्गेनिज्म इससे निकाल के प्लांट से और कुछ जो थे एनिमेलिया से निकाल के जो थे एक नई किंगडम जो बनाई गई उसके अंदर उनको रख दिया गया, ये थी हमारे पास प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी, चाहे वो प्लांट किंगडम थे या फिर एनिमल किंगडम के अंदर, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है, उन सभी को निकाल के प्रोटिस्टा के अंदर जो था वो डाल दिया गया था, ठीक है। जैसे डाइएटम हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, तो ये सारे कहां आ गए, प्लांट और एनिमल किंगडम से निकाल के उनको कहां रख दिया, अब अमीबा था ना जैसे एनिमल किंगडम के अंदर, उसको कहां रख दिया, अब प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो थी वो हमारे पास आई फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास नई किंगडम कौन सी आई थी, फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये किसने दी थी, कॉपलैंड ने, ठीक है। तो फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, प्लांटी सेम वैसे ही रहा, एनिमेलिया, ठीक है, और थर्ड क्या था हमारे पास, प्रोटिस्टा। अब जो जितने भी इन सभी के अंदर, ठीक है, देखिए प्रोटिस्टा में सारे के सारे क्या आगे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए थे। अब जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, उनके लिए एक अलग किंगडम जो थी वो कॉपलैंड ने दी थी, उसका क्या नाम था, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा किंगडम जो थी वो फोर्थ किंगडम आई थी हमारे पास फोर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारी फोर्थ किंगडम आई थी वो थी मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, वो सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जितने भी थे उन सभी को मोनेरा किंगडम के अंदर प्लेस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये किंगडम भी जो थी वो ज्यादा एक्सेप्टिव नहीं हुई, क्योंकि फंजाई को अभी भी किसी भी किंगडम के अंदर उसको अभी तक भी जो था वो फाइव सिस्टम
सॉरी फाइव किंगडम, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये किंगडम जो है, सॉरी ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दी गई थी आर एच विटिकर के द्वारा, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड जो हमारे पास यही है फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर एच विटिकर ने जो था इसके जो मेन बेसिस रखे थे वो क्या थे, सॉरी पहले हम देख लेते किसमें किस किस को रखा गया। तो हमारे पास जो फोर्थ जो ऑलरेडी थी, ठीक है, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ठीक है। लास्ट जो किंगडम इसमें ऐड की गई थी वो थी फंजाई, ठीक है। फंजाई हमारी जो है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये कैसी थी, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, सॉरी हेटेरोट्रॉफिक जो थी, हेटेरोट्रॉफिक कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो नई किंगडम हमारे पास आई वो थी किंगडम फंजाई, ठीक है। अब इसके बेसिस क्या रखे गए, ठीक है, क्यों ये वाइडली एक्सेप्टेड हुई। पहला था सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा था, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक थे या फिर वो यूकैरियोटिक थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स थे या यूकैरियोटिक थे, ठीक है। नेक्स्ट जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक थे या फिर वो हमारे पास ऑटोट्रॉपिक थे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक थे, नॉन फोटोसिंथेटिक। के बाद हमारे पास क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जैसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो हमारे पास मल्टी सेलुलर थे या फिर वो यूनिसेलुलर थे, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर बेसिस पे उनका कैसा रहा। फिर आता है हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिस लिया था आर एच विटिकर ने, ठीक है, वो क्या था, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक ऐसा इसमें प्लस पॉइंट रहा कि ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी ये वाइडली एक्सेप्ट की गई, क्योंकि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन अगर करी थी तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री किसी ने स्टडी नहीं करी, एवोल्यूशनर हिस्ट्री किसी ने स्टडी नहीं करी थी यहाँ पे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो उन्होंने स्टडी किया कि इस ऑर्गेनिज्म का बेस कहाँ है, यानी ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, इसके एंसेस्टर कौन थे, ठीक है, तो ये जो एक प्लस पॉइंट रहा है इसको वाइडली एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्ट किसकी वजह से हुई, मोस्टली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइव किंगडम सिस्टम तक ही जो थे वो साइंटिस्ट नहीं रुके थे, इसके बाद भी जो है एक हमारे पास है सिक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें क्या हुआ था, इसमें जो थे थ्री डोमेन्स दिए गए थे, ठीक है, कार्ल वुस्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें क्या थे, लाइफ के थ्री डोमेन्स बताए गए थे, ठीक है। इसमें एक था आर्किया, जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आता है, ठीक है। उसके बाद था
प्रोकैरियम, ठीक है, और लास्ट था हमारे पास यूकैरिया। प्रोकैरिया के अंदर जो थे वो आते थे यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया के अंदर जो थी, देखिए ये होगी हमारे पास एक किंगडम, ये है हमारे पास सेकंड किंगडम। अब देखिएगा बाकी की जो फोर किंगडम थी हमारे पास, यानी प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है, इन सभी को यूकैरिया के अंदर प्लेस किया गया था। ठीक है, तो हमारी टोटल किंगडम्स कितनी हो गई, किंगडम्स होगी हमारी सिक्स। ठीक है, थ्री डोमेन्स के अंदर जो था इन सारी किंगडम्स को डिवाइड किया गया था। ये थी हमारी सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन जो आज भी हम पढ़ते हैं वाइडली एक्सेप्टेड है वो आरएच वाइटेकर के द्वारा दी गई हुई फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट है जो हमें स्टडी करने को रह गया है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह का टेबल जो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का आरएच वाइटेकर के द्वारा जो दी गई है, ठीक है, उसका एक टेबल एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया गया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें करेक्टर कि उसमें सेल टाइप कैसा है, तो मोनरा के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक है, फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक, प्लांट के अंदर भी यूकैरियोटिक और एनिमिलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो है उनके अंदर जो सेल वॉल है, ठीक है, वो कैसी है, नॉन सेलुलोजिक, ठीक है, सेलुलोज से बनी हुई नहीं है, किससे बनी है, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड जो है एनसीईआरटी के अंदर लिखा है। तो अमाइनो एसिड से अगर आप देखें तो हम इसे पेप्टाइड्स बोल सकते हैं, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स मतलब शुगर, तो ये आपकी ग्लाइकन, ग्लूकोज कुछ भी हो सकती है, तो इसे हम पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी हुई है। ठीक है, और प्रोटिस्टा के अंदर ये कुछ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, फंजाई के अंदर ये जो है कैसी है, नॉन सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है, काइटिन इसे हम कहते हैं, काइटिन से बनी हुई है, और प्लांट के जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है यानी सेलुलोज से बनी हुई है, एनिमल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट है, बाकी जितने भी आपके प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया है, ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो सेलुलर का मतलब है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास जो बॉडी होगी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, फंजाई जो है उसमें मल्टीसेलुलर हो सकती है, लूज टिश्यू होगा, ठीक है, प्लांटी जो है उसमें टिश्यू और ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एनिमिलिया में टिश्यू भी है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी है। ठीक है, अब आती है बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, तो सबसे ज्यादा अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर बोली जाए तो वो किसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है मोनेरा के अंदर, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, जो कि अपना जो खाना है वो कैसे बनाते हैं, कीमोसिंथेटिक वे से यानी केमिकल्स के द्वारा, फोटोसिंथेटिकली भी अपना खाना बना सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो है वो सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक जो है बैक्टीरिया आपको मोनेरा के अंदर मिल जाता है। प्रोटिस्टा जो है उसमें ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, फंजाई के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइव किंगडम्स में से कौन सी ऐसी है जो कि अकेली ही हेटरोट्रॉपिक है, तो हेटरोट्रॉपिक जो है वो फंजाई है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, प्लांटी जो है ये ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाती है, ठीक है, और एनिमिलिया के अंदर जो है हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक भी ये हो सकती है, सॉरी फंजाई और एनिमिलिया दोनों ही हेटरोट्रॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल आपके पास, ठीक है, जिसमें कि करैक्टर बेस पे जो है वो किंगडम्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, किंगडम मोनेरा के बारे में हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।